हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। प्लीज़ आ जाइए, जब तक हम इसको सेटअप में लाते हैं पूरा। आप लोग जल्दी आ जाइए जब तक हम इसको पूरा सेटअप में लाते हैं। रीमा बजाज, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने तो हमारा बहुत सम्मान रखा। आपने लगातार क्लासेस ली और बहुत ही अच्छा, खूबसूरत स्कोर। थोड़ा फीडबैक और दें, कल जो हमारी 6 घंटे की क्लास हुई थी, उसका क्या फ़ायदा बच्चों को मिला या नहीं मिला JIB में? जल्दी आइए, 57 ही हैं। कल 400+ बच्चे लाइव थे, ठीक है? और आप भी लाइव उसी दिन होंगे जिस दिन नेक्स्ट डे पेपर होगा। आज आपके साथ मौका है, सैटरडे संडे का टाइम है, आज हमारे पास भी थोड़ा सा मौका है। कल रात 2 बजे तक तो हम क्लास ही में थे। और नीरज जी, बस एक सेकंड में स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सेटअप हम देख लें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल की क्लास है। न्यूमेरिकल की क्लास में क्लैरिटी का बहुत बड़ा रोल है, यानी क्लियर होना चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, अदरवाइज थ्योरी में आएगा तो 2-3 मार्क्स का आएगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग से अकेले जो क्वेश्चन है, कई बार यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं कि सर जो आपने क्लास में बताया था वही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ गया, ठीक है? ऑडियो प्रॉब्लम आप लोग बोल रहे हैं, जरा बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है ऑडियो में?
यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क फॉर स्टूडेंट डिजर्व बिग थैंक्स. चलिए अगेन गुड मॉर्निंग. जितने लोग भी यूट्यूब में जुड़ चुके हैं उन सभी को मेरा गुड मॉर्निंग. सबके नाम मैं नहीं ले रहा, एक सरसरी नज़र पे मैंने देख लिया है. और ये जो हमारा मिशन सीआईबी का है, मिशन सीआईबी में एक लेक्चर हमने जीडीपी का पहले ले लिया था और ये कल एक लेक्चर लिया था. उससे पहले एस्टिमेशन और एस्टिमेशन और सैम्पलिंग, यानी हमने अगर हम बात करें कि कितने चैप्टर अभी हमने रिसेंटली लिए हैं, तो हमने जो चैप्टर रिसेंटली लिए हैं देखिए, एक तो हमने ले लिया मॉड्यूल ए में बजट, हमने बजट को ले लिया है, जीडीपी को ले लिया है. ये तो मॉड्यूल ए की बात है. बी की बात करें तो सैम्पलिंग एंड एस्टीमेशन मैंने एक साथ दो तीन क्लासेस में कवर किया हुआ है, और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन भी मैंने कल ख़त्म किया था. आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. इस तरह से अभी पिछले सैटरडे को हमने डी मॉड्यूल में चैप्टर लिए थे, टर्म लोन वाले और वाले, ठीक है. तो इस तरह से हम काफ़ी कुछ इस लाइव मिशन सीरीज में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. बस ये जो लाइव क्लासेस हैं चलिए, जो लोग लगातार सर आज एक कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ फुल सॉल्व करके बता दीजिए. नो ऑडियो. बिल्कुल जी, आप क्लास में बने रहना. क्लास को तब खत्म करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर. और मैं इस बार मेरा सोचना यह है कि जैसे आप लोगों के साथ क्या है, इस बार रफ़ सीट नहीं प्रोवाइड की जा रही है. जब रफ़ सीट नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो इसका मतलब कि बहुत लेंदी कैलकुलेशन से आपको बचना होगा. इस बार एग्ज़ाम में बहुत लेंदी कैलकुलेशन से आपको बचना होगा. तो आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करके जाना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो आपको टाइम कम लगाएं. और जब आप हाथ से रफ वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका अगर उसमें स्क्रीन पे कुछ लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, पता नहीं कैसे इस बार पॉसिबल हो पाएगा. जेआईबी में तो हो सकता है, लेकिन सीआईबी में पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा, उसको हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा जे आई बी में सीट मिली है कह रहे हैं, सम एग्जाम सेंटर जे आई बी एग्जाम. अच्छा, तो अच्छी बात है भैया अगर मिली है तो. चलिए सभी को गुड मॉर्निंग. मैं इंतजार कर रहा था 100 लोगों के होने का, 94 लोग हो गए हैं तो मैं मान लेता हूँ 100 हो गए. ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं सीआईबी के एबीएम पेपर का मॉड्यूल बी का एक और बहुत धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग. और ये लीनियर प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है, आपने अगर बीटेक नहीं किया है, आपने अगर मैथमेटिक्स बीएससी के बाद नहीं की है, अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स से नहीं किया हुआ है, तो इस टॉपिक को आप नहीं जानते. जितने भी ऐसे लोग बैठे हुए जो मैंने बोले उसके अलावा,
जो भी लोग इस क्लास में हैं वो इस क्लास में आज ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे, और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप एक जो इंडस्ट्री होती है उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, वो इंडस्ट्री कैसे उस बात को प्रॉब्लम करती है, कैसे उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस को भी बताऊंगा मैं, दोनों इंडस्ट्री में मैक्सिमाइज सेल या मैक्सिमाइज व्हाट प्रॉफिट, दूसरी है मिनिमाइज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमें मैथमेटिकली ये सिखाता है कि हम अपने रिसोर्सेस का किस तरह यूटिलाइजेशन करें कि उन रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम सेल और प्रॉफिट पे लाएं, और जो यूटिलाइजेशन करने के दौरान हम अपने एक्सपेंसेस को कैसे मिनिमम करें, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेस। आपके पास रिसोर्सेस हैं, जैसे अगर मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूं, आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, आपके पास 5 मशीनें हैं, 100 लेबर हैं, बिजली आपके पास 10 घंटे आती है, रॉ मटेरियल आपका हर 10 दिन में आ पाता है, इससे ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं आता, उसको आता है तो उसको स्टोरेज के लिए प्रॉब्लम होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप दिन में 2000 बनाते हैं, जैसे ही 2001 बनाना चाहते हैं तो आपको एक और मशीन की ज़रूरत पड़ती है। वर्किंग एरिया आपके पास लिमिटेड है, मैन पावर जो स्किल्ड लेबर है वो पर्टिकुलर काम वाली मैन पावर की एक अपनी प्रॉब्लम है, और जो वैसे नॉर्मल लेबर होती है वो बहुत सारी है। इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मैथमेटिकल मेथड है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर हम बुक की बात करें तो बुक से हम लेके चलेंगे, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल लेक्चर पहले बने हुए हैं उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हमने कवर किया हुआ है, यहाँ पर अब जो हम लेक्चर ले रहे हैं उसमें बुक को कवर करते हुए चलते हैं। बुक को कवर करते हुए इसलिए चलते हैं कि कुछ भी चीज़ टेक्स्ट टू टेक्स्ट छूट ना जाए। 100 लोग लाइव हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, आप सबको डेडिकेशन देखते हुए हमें भी बहुत मज़ा आता है। चलिए, तो हमें इसमें इस टॉपिक में दो बातें पढ़नी है, ग्राफिकल अप्रोच और एक सिंप्लेक्स मेथड। क्या करनी है हमको करनी है ग्राफिकल अप्रोच, और ग्राफिकल अप्रोच का मतलब होता है कोई भी इस तरह का ग्राफ बना देना, कोई भी ग्राफ। ग्राफ हमने बना दिया एक ये, ठीक है, फिर दूसरा क्या है ये, तीसरा क्या है ये, ठीक है। हमने ये 3 ग्राफ बना दिए और तीनों ये लाइनें हैं, तीनों क्या हैं लाइनें। लाइन क्या मतलब क्या हुआ, लाइन 1 लाइन 2, या आप इस तरह करते हैं कि आपको थोड़ा सा L1 L2 और L3, और ग्राफ आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें कुछ आंसर निकल आए, इस ग्राफ से हमें कुछ आंसर निकल आए, और इसी को हम ग्राफिकल अप्रोच बोलते हैं, इसी को हम ग्राफिकल अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम ग्राफिकल अप्रोच बोलते हैं, यानी जो ग्राफ की मदद से हमारे सॉल्यूशन को देती है उसको हम ग्राफिकल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इसमें, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछा हुआ जितेंद्र कुमार सामल जी ने, बस ये सवाल पूछने में उन्होंने थोड़ी सी जल्दी कर दी, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछते तो मैं इसी को बता रहा था क्यों इसको मैंने यहां पर लिखा एल का मतलब लाइन। लाइन को लीनियर बोलते हैं, ठीक है, लीनियर माने रेखा, यानी लीनियर यानी लाइनों से कुछ सॉल्व करना,
लाइनों से कुछ सॉल्व करना, इसीलिए इसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं, प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक सेट ऑफ प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो उसमें जब हम इसके अगले मेथड में जाएंगे जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड, जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, इस सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस सिंप्लेक्स मेथड में एक टेबल होगी, इस टेबल में कुछ वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू होगी, उन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको इस टेबल को सॉल्व करना होगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहां पर ए बी सी एल एम एन और यहां पर हमारा होगा ए बी सी लाइक दिस, इस तरह से कुछ होगा, उसको हम सॉल्व करते जाएंगे, यहां पर वैल्यू होगी कुछ इस तरह से। तो सिंप्लेक्स मेथड में एक टेबल होती है, उस टेबल से उस टेबल को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके दूसरी टेबल को फिर मैनिपुलेट करके तीसरी टेबल चौथी टेबल, इस तरह टेबल्स बनाई जाती हैं। और ये टेबल्स बनाई जाती हैं, इन टेबल्स को स्टेप बाय स्टेप बढ़ना प्रोग्रामिंग के तहत किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग है और इस पर्टिकुलर मेथड का नाम सिंप्लेक्स मेथड है। आपको इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, अभी हम टॉपिक का क्रक्स शुरू किया है हमने, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ये वीडियो इस वीडियो के लॉन्च होने के बाद प्राइवेट हो जाएगा, कोई भी लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन वाले हैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। शालिनी सिंह क्या आ गए, सौ लोग आ गए, ये कहना चाह रही हैं आप, चलो गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, यहां दोनों बातें आ गई, देखो ग्राफिकल अप्रोच की बात आ गई और सिंप्लेक्स मेथड की आ गई। थ्योरेटिकल अप्रोच पे चलते हैं, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द सेवरल रिलेटेड मैथमेटिकल टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेस अमंग कंपीटिंग डिमांड्स इन द एन ऑप्टिमल वे। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट, उसी का ये साइंटिफिक डेफिनेशन है। जिस तरह से आप थ्री इडियट फिल्म में एक डेफिनेशन का जो सीन होता है, जब आमिर खान साहब किसी डेफिनेशन को समझाते हैं और उनके प्रोफेसर पूछते हैं, तो वही बात है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो मैंने बताया था यहाँ टेक्निकल डेफिनेशन में है। फॉर ऑप्टेनिंग द ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब मैंने बोला मैक्सिमाइज या सबसे बेस्ट वाला, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन द प्रॉब्लम शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट, अपनी प्रॉब्लम को एक फॉर्मेट में सेट किया जाता है। इट हैज बीन फाउंड दैट द लीनियर प्रोग्रामिंग हैज मैनी यूजफुल एप्लीकेशन टू फाइनेंशियल डिसीजन। अब यहां बात आई कि लीनियर प्रोग्रामिंग का फाइनेंशियल डिसीजन भी है। द टाइप ऑफ प्रॉब्लम शुड हैव लीनियर कॉन्स्ट्रेंट, एक वर्ड आ गया आपके एग्जाम में, ये वर्ड जरूर मिलने वाला है आपके एग्जाम में, वर्ड जरूर मिलने वाला होता है। कॉन्स्ट्रेंट माने होती है बाधाएं, जैसे मैंने जब एग्जाम्पल दिया था तो मैंने बोला था कि आपके यहाँ बिजली केवल इलेक्ट्रिसिटी केवल 10 आवर्स के लिए आती है, तो आप अपनी फैक्ट्री को कैसे कैसे चलाएंगे, ठीक है। और बात आती है एंड डिसीजन मेकर मस्ट ट्राइंग टू मैक्सिमाइज सम लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके भी फंक्शन बना दिए गए हैं। फंक्शन का मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन बना। दिस चैप्टर विल डिस्कस द ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स मेथड, ये इंट्रोडक्शन की बात हुई। इस टॉपिक को आज जो क्लास ले रहे हैं, अपने बच्चों को बताएंगे, अपने भाइयों को बताएंगे, बहनों को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने कलीग को बताएंगे, क्यों, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह समझने वाले हैं इस टॉपिक को। बीच बीच में हम लोग कोई डायलॉग मार देते हैं तो बुरा मत माना करो भैया, क्या करें, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, वरना तो कुछ लोग क्लास में ही सो जाते हैं। चलिए जी, मॉडल,
मॉडल की बात करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट आर नोन फॉर ईच ऑफ द एन प्रोडक्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट के लिए सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट आर नोन है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, द फर्म ऑल्सो हैज टू ऑपरेट अंडर सर्टेन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड फिजिकल कॉन्स्टेंट। एक क्वेश्चन आपका ये रहा, कॉन्स्टेंट कितने तरह के होते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होते हैं और फिजिकल कॉन्स्टेंट होते हैं, यानी बाधाएं। इकोनॉमिकल कॉन्स्टेंट क्या होते हैं कि क्या ये इकोनॉमिकली ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। फाइनेंशियल क्या कहते हैं कि आज मेरे पास पैसा है या नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है कौन सी, उसके बाद आती है फिजिकल कॉन्स्टेंट, आपके पास मशीनरी उतनी है या नहीं है जितनी की चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट वाला क्वेश्चन एक पक्का आपके एग्जाम में मैंने बोला आएगा, थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। सम एग्जाम्पल फॉर ऑफ रिसोर्सेस एंड मार्केटिंग कॉन्स्टेंट, तो इनमें हमें देखना पड़ेगा वो कौन कौन से हैं। बैंक में स्टिपुलेट सर्टेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है आपके पास। मार्केट में नॉट एब्जॉर्ब द होल आउटपुट, जितना आप बनाए चले जा रहे बिक नहीं रहा। कैपेसिटी कॉन्स्टेंट, आपकी मशीन क्षमता काम करने की, स्टोरिंग की कैपेसिटी, लेबर की अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, बिल्कुल यही मैंने एग्जांपल आपको दिया था। तो ये है कॉन्स्टेंट, ठीक है। कौन से कॉन्स्टेंट है, सम एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेस एंड मार्केटिंग कॉन्स्टेंट। दीज कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड टू, इनकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मेट करें। द क्वेश्चन इज हाउ टू अटेन मैक्सिमम प्रॉफिट इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे इस चीज को समझेंगे। अगर आपने ये टॉपिक अपने आप से किया हुआ भी है तो बिल्कुल आपके लिए कंपलसरी है कि आप इस टॉपिक में बने रहें, इससे बढ़िया रिवीजन आपको नहीं मिलने वाला। एक एक कॉमा पॉइंट का डाउट आपका यहां क्लियर होने वाला है, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दें, अब ठीक हो जाएगा। जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया हुआ है, कुछ चैप्टर अगर वहाँ नहीं मौजूद होते हैं, आप लोग डिसहार्टेंड बिल्कुल नहीं हो, जो अवेलेबिलिटी उसे पूरा कर। और इस में हम बहुत सारे नए वीडियोज अपने चैप्टर्स अपने कोर्स में डालने वाले हैं, और नेक्स्ट ईयर तो हमारा कोर्स दुनिया में सबसे अच्छा होने वाला है, ये मैं गारंटी आपको देता हूं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं। जिसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है, किसी भी JIB CIB के चैनल में इतना खर्चा कोई नहीं कर रहा जितना हम करते हैं, और पूरा हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट आउटपुट दें, चाहे वो कॉन्सेप्ट की हो, चाहे वो थ्योरी की हो, चाहे वो डिलीवरी की हो, किसी भी तरह से। जो लोग कुछ हमारी शिकायतें होती हैं हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको प्लीज़ बियर करते जाइए, अपना JIB CIB क्लियर करिए, ठीक है। और इस क्लास में जो है JIB के बहुत सारे बच्चे जो कल रात मेहनत कर रहे थे वो लोग आ गए हैं। केवल मैंने उनसे फीडबैक पूछा था, कल जो हमने क्लासेस ली थी उसका क्या रिजल्ट रहा। ये जो वीडियो है हमारा फाइनली एडिट होके, ये हमारे कोर्स में भी जाएगा, जो परचेज वाले लोग हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड, कैसे हो सकती है। एज द नेम इंप्लाइज दैट ऑल इक्वेशन आर लीनियर, दिस इंप्लाइज प्रोपोर्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल, इफ इट टेक्स 4% टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, देन वी रिक्वायर 12% टू प्रोड्यूस 3 यूनिट। कहने का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनेटली, यानी जो आपके कैलकुलेशंस हैं
जो आपकी आपके एजम्पशंस हैं उस पर उस कैलकुलेशन का यूज होगा। आपको पता है कि आपका एक आइटम कितने लोग बना रहे हैं, तो वो ज्यादा आइटम उसके प्रपोर्शन में कितने लोग चाहिए आपको, ठीक है। द कॉन्स्टेंट्स आर नोन एंड डिटर्मिनिस्टिक, दैट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस आर प्रेज्यूम्ड टू बी वन, यानी जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं वो नोन हैं और आप उनको निकाल सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक है, बिल्कुल पक्के वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज दैट ऑल दीज वेरिएबल शुड हैव नॉन नेगेटिव वेरिएबल, नॉन नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए साहब कि एग्जाम्पल बताता हूं, बड़ा मजा आएगा, दो लोग एक काम को एक दिन में कर लेते हैं, अब मजाक में बोल रहा हूं, कोई बुरा मत मानना, उन दो लोगों के साथ दो लेडीज भी, जो दो मेल के साथ दो लेडीज भी काम पे लगा दी गई, वही काम अब दो दिन में होने लग गया। क्या मतलब हुआ, क्या काम नेगेटिव होने लग गया? नहीं। तो इसका मतलब आपको जो अपने यूज करना है वो एक स्टैंडर्ड को आगे के लिए यूज करना है, और दूसरी तरह से कहें कि कोई कोई एक मान लिया कोई पेंट कर रहा है, वॉल पे पेंट कर रहा है, वो एक घंटे में 10 फीट का एरिया पेंट करता है, पता लगा उसने पेंट तो बिल्कुल नहीं किया और 10 एरिया बिगाड़ दिया, यानी नेगेटिव नहीं है। किसी काम के लिए एक आदमी चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता किसी काम के लिए माइनस एक आदमी चाहिए, किसी काम के लिए दो मशीन चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता माइनस तीन मशीन चाहिए। यानी इन क्वेश्चंस में जो भी अवेलेबिलिटी चीज है वो नॉन नेगेटिव होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, ठीक है। फाइनली डिसीजन वेरिएबल्स आर आल्सो डिविजिबल, क्या है, जो डिसीजन वाले लेने वाले वेरिएबल है उनको बांटा जा सकता है कि कुछ यहां दे दो, कुछ यहां दे दो और कुछ यहां दे दो। तो ये जितने पॉइंट में पढ़ रहा हूं, और जब ऐसा क्वेश्चन आता है वो यही चार पॉइंट छाप देगा क्वेश्चन में और पूछेगा विच इज द कंडीशंस या विच इज नॉट द कंडीशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। वहां पर किसी वर्ड को नॉट, या जैसे कहता है, यहां लिखेगा फाइनली डिसीजंस वेरिएबल आर नॉट डिवाइजेबल लिख देगा, फिर तो आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसको थ्योरी को इस तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके इस क्वेश्चन में ग्राफिकल अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो आपकी स्क्रीन में ये एग्जाम्पल है इसको समझिए, अगर आप इसको समझते हैं तभी आप शुरुआत कर पाएंगे इस टॉपिक के मैथमेटिकल एरिया की, ठीक है। क्या चीज है इसमें, क्या चीज बोलता है, लेट अस इलस्ट्रेट। और चलो इससे पहले मैं एक बात और कर लेता हूं, इससे पहले बात मैं ये करता हूं कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ट्रेडिशनल बिजनेस चला आ रहा था, और ट्रेडिशनल बिजनेस था वो एक सिलाई मशीन का, सिलाई का काम का, मान लिया तो वो एक मशीन लगी हुई थी, एक फादर काम कर रहे हैं या एक वर्कर काम कर रहा है और ऐसे करके एक कोने में बैठ के काम कर रहे, बहुत बड़ी सी दुकान है। तो फादर ने, उसने कहा बेटे ने कि पापा कुछ हम बिजनेस कुछ अलग तरह से करते हैं। तो फादर ने पूछा कैसे, कि हम लोग 10 मशीन क्यों नहीं लगा देते हैं, हमारा इनकम बहुत बढ़ जाएगी, ये जो खाली जगह है इसका यूज क्यों नहीं कर लेते, आधा चीज हम किराए पे क्यों नहीं दे देते, ठीक है। दोनों बातें सुन ली। अब फादर ने कॉन्स्टेंट क्या बताया कि बेटा अभी तो शादियों का टाइम चल रहा है, अभी तो 10 मशीन का काम आ जाएगा,
लेकिन शादी का सीजन चला जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, तो हम सैलरी कहाँ से देंगे, मशीनों पे खर्चा लग जाएगा। दूसरी बात, जो खाली जगह हम किराए पे देने की बात कर रहे हैं, अभी तो शादियों का सीजन है, यहाँ सारे कपड़े भर जाएंगे, तो हम वो कपड़े कहाँ रखेंगे। दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। तो कोई भी चीज ट्रेडिशनली चल रही है उसको मैनिपुलेट करके नया करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पिछले 30-50 सालों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उतने कन्फाइंड वे में काम करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो अपना प्रॉफिट एक एक लिमिटेड रखते हैं जिससे उनका गुजारा चल जाए, ऑप्टिमम नहीं कर पाते। ऑप्टिमम करने के लिए कुछ ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे कि आप कोट और पैंट सिलते हैं, या टी शर्ट या शर्ट सिलते हैं, या आप लेडीज कपड़े सिलते हैं, तो कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे। आपको कोट सिलने में, एक कोट सिलने में 2,000 का फायदा होता है, और एक जेंट्स के शर्ट और पैंट बनाने में केवल 50 रुपये मिलते हैं। तो भैया 2,000 रुपये मिलने हैं कोट में, कोट ही बनाओ, क्यों बना रहे हो। तो पता लगा कोट तो बना देंगे लेकिन कोट की सप्लाई उतनी नहीं है, यानी जितना हम कोड बनाएंगे दिन भर में बिकेगा तो एक ही। तो ये सब कांस्टेंट हैं। उस एग्जाम्पल को यहां से मैच करते हुए हम चलते हैं। एक कंपनी है जिसको रेडियो और टीवी बनाना है, एक कंपनी जिसको रेडियो टीवी बनाना है, क्या करेगी वो कंपनी। उसने कहा टू डिसीजन वेरिएबल, उनने कहा विथ टू डिसीजन वेरिएबल, यानी ऐसी कंपनी जिसमें दो फैक्टर है उसकी स्टडी करनी है। क्या करनी है, थ्री वेरिएबल्स रिक्वायर्स 3D ग्राफिंग। अगर आप 3D के लिए बात करेंगे तो आपको तीन चाहिए। जैसे अभी हमने बात कही थी, क्या बात कही थी, यहां देखिए, ये जो है एक्स और वाई का है, एक्स और वाई 2D है। अगर हम इस एक्सेस से एक और लाइन ऐसे खींच लें, अगर हम इस एक्सेस से एक और लाइन खींच लें, तो समझ लीजिएगा क्या होगा। जरा कोई व्यवधान आ गया था, कोई मिलने आ गए थे, सॉरी 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 सॉरी, बीच में अगर कभी आवाज़ नहीं आती है तो समझ लीजिए मैंने शायद बंद किया होगा। चलो, तो हम ये बात कर रहे थे 3D। तो 3D कैसे होता है, अगर हम इस पॉइंट से एक और रेखा ऐसे खींच दें, जैसे आप अपने घर का कोई भी कोना देख लीजिए, कोना जहां से 3D निकलती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम जहां 3D हो जाएगी। तो आजकल क्या है, 3D में आपने देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट को घुमा घुमा के दिखा देते हैं, ठीक है, हो सकता है कि हम भी कभी इस चीज पे प्रयोग करेंगे। तो यहां पर वो कहता है अगर 3D की बात करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, 3 वेरिएबल वाली हो जाएगी। अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल वाली बात कर रहे हैं, इसलिए 2D पे बात करेंगे। क्या बात करते हैं, देखिए, उसने कहा रेडियो और टेलीविजन की बात है। क्या बात है, उसने बोला कि रेडियो और टेलीविजन की बात है, एक रेडियो है और एक टेलीविजन है, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें, कई फैक्टर इसमें क्वेश्चन में यूज किए गए हैं। क्या गया, ईच रेडियो कॉस्ट रुपीज इतने इन वेजेस एंड रुपीज इतने इन मटेरियल। तो रेडियो की बात है, कॉस्ट क्या है, वेजेस की कॉस्ट और मटेरियल की कॉस्ट। तो हमारे पास दो चीजें आई, एक तो आया वेजेस और एक आया कॉस्ट, ठीक है। कितना कितना है वेजेस और कॉस्ट अगर देखें हम, तो उसने बोला है किसमें, रेडियो में 500 का
वेजेज और 500 का कॉस्ट लगता है, ठीक है। अब आगे अगली बात बोलता है, इस टेलीविजन में 2500 और 1500 है, टेलीविजन में कितना है, 2500 और 1500 है। ठीक है, उसके बाद बोलता है फर्म्स पे द लेबर एंड मटेरियल एक्सपेंसेस इन कैश। क्या मतलब हुआ, शाम को जब लेबर जाती है तो कहती है साहब आज का पैसा दे दो, यानी उसी दिन देना है, यानी पर डे का कंस्टेंट है आपके पास, पर डे का एक कांस्टेंट है जिसको हम फाइनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं कि भैया शाम को पैसा देना है उनका, ठीक है। और आगे द प्राइस ऑफ द रेडियो इज 2000 एंड द प्राइस ऑफ टेलीविजन इज 6000। क्या बोलता है प्राइस, तो यहां पर हम प्राइस एक लिख देते हैं, तो प्राइस कितना बताया इसने, 2000 और 6000, 2000 और, तो 2000 का ये है और 6000 का ये है, ठीक है। जैसे हमने कोट और टी शर्ट की बात की थी, और कहता है इज देयर अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड, एज इज देयर इज स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर, द फर्म इज एबल टू सेल मैज मेनी, वो कहता है जितनी भी बना लो सब बिक जाएगी। वहां पे प्रॉब्लम क्या थी भाई, एक दिन में एक ही कोट बिकेगा, यहां कह रहे हैं जितना बना लो, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी बाधा नहीं है, आप करे चले जाओ अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, फाइनेंशियल और कौन से फिजिकल रिसोर्सेस हैं, तो ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ, तो यहां बोलता है द फर्म ऑल्सो गिव वन पीरियड क्रेडिट टू, और जो खरीदने वाले लोग हैं उनको उधार भी देना है आपको, यानी जो आपके पास आज की तारीख में पैसा है वो शायद उतने में से ही काम चलाना पड़े, नया ना आए, उधार भी देना है आपको। और फर्म हैज 10 आवर मशीन टाइम एंड 4 आवर असेंबली टाइम, दो टाइम है उसके पास, कौन कौन से, 10 आवर मशीन टाइम और 4 आवर असेंबली टाइम। तो क्या बोला इसमें, मशीन के लिए बोलता है 10 आवर है और असेंबली के लिए बोलता है, अभी मैं इसको भी समझा देता हूं। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह समझ पाएंगे। उसने कहा 1 आवर असेंबली टाइम, हाँ क्या बोला इसने, 10 आवर मशीन टाइम है और 4 आवर असेंबली टाइम है, तो 4 आवर असेंबली टाइम है, ठीक है। और आई क्या बोलता है, देखिए वो कहता है द प्रोडक्शन ऑफ द रेडियो रिक्वायर्स 3 आवर मशीन और 1 आवर असेंबली, तो किसके लिए बोलता है, जो 3 आवर मशीन और एक आवर जो है उसके लिए, किसके लिए, रेडियो के लिए। और टीवी के लिए क्या बोलता है, टीवी के लिए बोलता है 1 आवर एंड 1 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर। चैप्टर स्लो चल रहा होगा, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं 50 से 49 जाते हैं आप। द फर्म हैज रुपीज इतना कैश बैलेंस लिक्विडिटी टू पे, यानी फर्म के पास 12,000 रुपए हैं, कितने हजार रुपए हैं, 12,000 रुपए हैं कुल पेमेंट करने के लिए। टोटल कैश कितना अवेलेबल है आज की तारीख में उनके पास, 12,000 अवेलेबल हैं, और 12,000 वो उसके पूरे पूरे पैसे कहाँ जा सकते हैं, वो आपके पूरे पूरे पैसे जा सकते हैं आपके खर्चे में, ठीक है, ठीक होगी, क्लियर बात। अच्छा, अब इन सब के अलावा हम एक बात करते हैं, क्या बात करते हैं, लेट से कि यू आर रेडी टू प्रोड्यूस द रेडियो इन आर एंड टीवी इन टी, यानी कि नंबर ऑफ रेडियोज आर आर, नंबर ऑफ टीवीज आर टी। तो आप जो भी काम करेंगे, अगर हम बात करें इसको देखते हुए, आप ये देखिए प्रॉफिट क्या हो रहा, आपको क्या देख रहे हैं, प्रॉफिट क्या हो रहा, तो प्रॉफिट क्या हो रहा देखते हैं ना,
प्रॉफिट जो होगा आपका इसमें से ये वैल्यू माइनस करके होगा, 2000 का बिक रहा है, खर्चा हो रहा है 1000, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आपका जो प्रॉफिट है फॉर द टीवी इज व्हाट, 6000 में से 4000 चला गया 2000, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये आपका रेडियो है, ये आपका टेलीविजन है, ठीक है। और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, कब होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, ये लाइन और ये लाइन को प्लस कर दीजिए, इक्वल टू आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो कितने आपने बोला कि साहब हमारे पास कितने हैं, 1000 रुपये पर रेडियो कमा रहे हैं तो ये आएगा, और 2000 पर टीवी कमा रहे हैं तो ये आएगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, आपका पर्पज क्या है, आपका पर्पज ये है कि जब हम जितने टीवी बेचें या जितने भी रेडियो बेचें उनको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट की ये लाइन है। क्लियर हो गई इतनी बात, तो यहाँ आप बिल्कुल क्लियर हो गए कि भैया ऐसा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन लिखी अभी, इनमें से बताइए कौन सी लाइन लिखी, इनमें से बताइए कौन सी लाइन लिखी मैंने, ए बी सी डी ई कौन सा फंक्शन। तो हमने बताया कि भैया जो हमारा पर्पज होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, 1000x 2000y यानी 1000r प्लस 2000t। तो यहां पे xy लिया हुआ है, आप हमारी तरफ से समझने की कोशिश करिएगा, आसानी होगी, ठीक है। अब बात आई मशीन की, बात आई भाई किसकी बात आई, मशीन की बात आई। तो यहां मशीन की बात जब यहां आएगी तो देखिए, यहां पे मशीन ये है, उसने कहा भैया 10R इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये जो 10 है, ये जो आपका 10 है वो किस तरह से बाइफरगेट होगा, ये 10 आपका इधर था, ठीक है, और दूसरा वाला भी क्या था, 4, ये आपका 4 था। देखिएगा ध्यान से, 3 घंटे रेडियो में लगते हैं प्लस 1 घंटा टीवी में लगता है, जो आपको कुल मिला के 10। अब यहां पे कुल मिला के 10 का मतलब होता है कि जो ये वाला आपने सिंबल यूज किया हुआ, ये वाला इक्वल टू नहीं होगा। क्या होगा, इक्वल टू नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाला होगा आपका लेस देन और इक्वल टू। क्या होगा आपका, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यानी आप इस वैल्यू को कभी भी 10 से ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आपने R नंबर रेडियो बनाए तो 3 घंटा हर एक रेडियो में लगना है, 1 घंटा टीवी लगाया, कहाँ, मशीन में, एक मशीन में 1 घंटा टीवी का लगाया तो 1 into t, लेकिन कुल मिला के जो मशीन वाली बात है वो ये है। तो यहाँ पर हमारी एक कंस्टेंट को हमने इक्वेशन में ड्राफ्ट कर लिया, इस कांस्टेंट को इक्वेशन में ड्राफ्ट कर लिया। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनती है, देखिए सेकेंड इक्वेशन बनती है हमारी 1R प्लस 1T, अगेन फिर वही आएगा कि क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, समझ गए, ये 3 इक्वेशन बनी हमारी। आपकी बुक में क्या बना हुआ वो भी देख लेते हैं जरा, देखिए क्या बनी है उसमें, जो इक्वेशन हमने बनाई ये वाली वही बनी, जो इक्वेशन हमने बनाई किसके लिए, मशीन के लिए, असेंबली के लिए। अगली बात करता है यहाँ पे, फाइनेंशियल कांस्टेंट क्या है उसके पास, फाइनेंशियल कांस्टेंट। तो फाइनेंशियल कांस्टेंट पे आते हैं हम, फाइनेंशियल कांस्टेंट है उसके बाद भैया 12000 रुपये, क्या है उसके पास, 12000 रुपये। तो ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें मिलके 12000 तक खर्च कर सकता है। तो इसकी इक्वेशन को मैं यहीं नीचे लिख देता हूं, क्या लिखता हूं यहां देखिएगा ध्यान से, 1000 रुपीज आर पे प्लस 4000 रुपीज टीवी पे
जो कि लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 12,000। समझ में आई बात? यानी आप अपने प्रोडक्शन के लिए इतने पैसे किसमें खर्च कर सकते हैं, रेडियो में, और इतने पैसे टीवी में, लेकिन कुल मिलाकर के आपका खर्चा 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर ले, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर ले, तो यहां पर हमारे पास आता है तो ये इक्वेशन बनती है हमारे लिए। ओहो, चलो पूरी इक्वेशन हमारी सिस्टम ने हमें धोखा दे दिया, कोई बात नहीं। चलो मैं इसको फटाफट लिख देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, इधर सुनिएगा जरा ध्यान से। क्या चीज़ है, हमें सबसे पहले एक बात आई थी हमारी प्रॉफिट की। किसकी बात आई थी? प्रॉफिट की। जो प्रॉफिट की बात आई थी हमारे पास, प्रॉफिट में हमारे पास आया था भैया, मैंने इस सिस्टम की ज़्यादा तारीफ कर दी लग रहा आज, इसने हमें मौके पे धोखा दे दिया। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो तीन इक्वेशंस हमारी क्रिएट हुई थी, इन्हीं तीन इक्वेशंस में अभी आप समझ गए थे, इन तीन इक्वेशन पे काम करेंगे। पहला है मशीन वाला, 3x+y। क्या बोलेंगे? 3x+y। तो हम इसको लिखते हैं 3r+t, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा है x+y4, x+y4। और तीसरा हमारा आया था यहाँ पे, ये आया था, देखो इस लाइन में 1000 आर और 4000 था, तो वहां पर हम क्या करेंगे, x+4y, क्योंकि 4000 से 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो x+4y 12, x+4y 12। और प्रॉफिट की बात हमारी थी, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था हमारा मैक्सिमाइज करने वाला, कि 1000+2000, 1000r+2000t को हमें मैक्सिमाइज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये जो हमारी तीन इक्वेशंस हैं, ये तीन इक्वेशंस हैं, आप लोगों को तो यूट्यूब में वो भी पीछे करके देख लीजिएगा, कोई डाउट हो रहा हो तो, ठीक है। ये तीन हमारे कॉन्स्टेंट हैं, ये तीन हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी इससे हम ऊपर नहीं जा सकते, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ग्राफ में बताते हैं इसको, सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, ग्राफ में बताते हैं। सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहां पे, ठीक है। तीन लाइनें हमारी बनी, और आप लोगों ने 8th 9th में क्वेश्चन किए होंगे किसी सिंगल लाइन को, क्या है, 3r+t=10, 3r+t=10। तो यहां पे आप इसको इक्वल टू 10 करेंगे, तो आपने आपने ऐसा कुछ किया होगा, देखो ध्यान करो जरा, आपने यहां पर एक्स वाई की वैल्यू रखी होंगी, एक्स और वाई, सॉरी एक्स और वाई, अगर यहां पे आप वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में मान लिया, तो यहां पर एक्स हमारे को क्या डिनोट कर रहा है, आर, और वाई क्या कर रहा है, टी। तो x की वैल्यू मान लिया मैं 0 रख देता हूं, तो x की वैल्यू यानी कि r की वैल्यू अगर 0 यहां रखता हूं, तो 3 × 0+t=10, तो क्या आते t की वैल्यू 10 आ जाती है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू में यहां पे मान लिया इसकी 2 रख देता हूं, तो 2 रखता हूं तो 3 × 2 = 6, तो कितनी आती है, 4 आती है। फिर मैं मान लिया 10 रख देता हूं, अगर यहां 10 में रखता हूं तो 30, तो 10 में ज्यादा हो जा रही है, तो मैं 4 रख देता हूं, अगर यहां पे 4 रखता हूं तो 4 = 12 - 2,
इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। तो अगर मैं इस लाइन का ग्राफिंग करूं, इस लाइन की क्या करूं, ग्राफिंग करता हूं, तो ग्राफिंग करने में 0, 10, 0, 10 का मतलब है यहां मेरा आर है, यहां मेरा टी है। जीरो में रेडियो बनाता हूं, ये टी है, तो 10 मेरे जीरो पे क्या है, जीरो पे 10, एक पॉइंट आ गया। दूसरा है 2 पे 4, तो यहां पे मेरा 2 है और यहां मेरा करीब 4 है। फिर तीसरा क्या है, 4 माइनस 2, 4 पे आता हूं 3, 4, तो -2 ये आता है। तो मेरी एक ये लाइन ड्रॉ हो गई, देखिए हो गई लाइन ड्रॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एक लाइन ड्रॉ हुई है वो इस ग्राफ में कुछ इस तरह से होगी, ये हो गई। कौन सी वाली लाइन की, ये वाली, ठीक है। तो अब अगर आप बुक में देखिए कि तीनों लाइन ड्रॉ कर रखी इन्होंने, क्या कर रखी है, तीनों लाइन ड्रॉ कर रखी है। क्या लाइन ड्रॉ कर रखी है, देखिए ये इस ग्राफ को मैं सामने ले आया जिससे अभी आपको दिक्कत नहीं हो। जरा मुझे आंसर दीजिए, अभी मैं आपके आंसर दे रहा हूं जो आप लोग पूछ रहे हैं। चलो जी, इनको थैंक यू, सुशांत सागर जी को। आप लोग मुझे ये आंसर दीजिए, कितने लोगों को ये वीडियो बोरिंग लग रहा है, लेकिन मैं इसको अंदाज नहीं बदल पाऊंगा क्योंकि मुझे चीजें आपको पूरी सिखानी है। अगर आपको बोरिंग लग रहा तो आप क्लास छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टॉपिक पूरा करना है तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब थ्योरी के वो 5 क्वेश्चन आने वाले, थ्योरी के, न्यूमेरिकल के नहीं, थ्योरी के 5 क्वेश्चन आने वाले जो यहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्या कर रहा हूं देखो एक्सप्लेन में, तो जब हम इसको प्लॉटिंग कर रहे थे तो एक लाइन तो ये आई हमारी 3xy का मतलब वो जो हमने r वाली बना रखी है, तो जब हम वैल्यू कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू करने में ये इक्वेशन आ रही है। और ये इक्वेशन किस चीज की है, देखिए ये इक्वेशन है किसकी, ये वैल्यू है हमारी कि 10 अवेलेबल है मैक्सिमम, 10 आवर्स, 4 आवर्स असेंबली के लिए अवेलेबल है, और ये क्या है कैश वाली। तो ये तीनों प्रॉब्लम यहां पर है और तीनों प्रॉब्लम का हमारा जो है ग्राफ ये बना हुआ है। तो जो ग्राफ बन के आया तीनों लाइंस का, वो जहां पर काटता है, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है और एक यहां काट रहा है। लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे, जितना एरिया हमारा इस शैडो के अंदर है, यानी ये, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, अब एक्सप्लेनेटरी पार्ट आ रहा है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस एरिया को बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन, यानी इस ग्राफ के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन है, इस ग्राफ के अंदर जो भी, जैसे मैं यहां पर एक ब्लैक कलर ले रहा हूं, ब्लैक कलर एक मैं यहां पर ले रहा हूं यहां पर, ठीक है, एक ले रहा हूं मैं रेड कलर, ठीक है, और एक मैं ब्लू कलर ले रहा हूं यहां पर। आप मुझे आंसर दीजिए 1, 2, 3, इन तीनों का प्रॉफिट निकाल दीजिए आप लोग,
इन तीनों पॉइंटों का प्रॉफिट मैं भी निकाल रहा हूं, आप भी निकालने की कोशिश करिए, वन नंबर। तो वन नंबर में क्या होगा कि भैया हमको पता है ये वन नंबर जो कॉम्बिनेशन है वो वन नंबर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है, यानी जहां पर एक वन आर प्लस वन टी वी, ठीक है, क्या बन रहा है, वन आर वन प्लस वन आर प्लस वन टी बन रहा है। तो वन आर हमको पता था कि एक रेडियो बनाने में कितना फायदा होता है और एक टीवी बनाने में कितना फायदा होता है। तो ये कहाँ से मिलेगा हमको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिलेगा। कहाँ मिलेगा हमको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था कि भैया ₹1,000 एक रेडियो पे, ₹2,000 हमें टीवी पे मिल रहे हैं। तो 1,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 3,000, ठीक है। ऐसे दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे वाले में क्या है हमारा, दूसरे वाले में ये कॉम्बिनेशन है, यानी दो टीवी और दो रेडियो, दो टीवी और दो रेडियो। तो दो टीवी टीवी दो रेडियो की बात करते हैं, दो टीवी बन जाएंगे हमारे 2,000 के और दो रेडियो बनाएंगे 4,000 के, यानी कितना हो जाएगा, 6K आ जाएगा, ठीक है। और अगला वाला है 3:1, यानी 3,000 रेडियो से प्लस 2,000 यहाँ से इज इक्वल टू 5K। आप समझ लीजिएगा ये तीन बातें मैंने बताई आपको, ये जो तीन बातें बता रहे हैं इसको समझ जाइएगा। ये है पॉइंट नंबर वन आपका, ये है पॉइंट नंबर टू, ये है पॉइंट नंबर थ्री। तो आप बताइए अपनी फैक्ट्री में कौन सा डिसीजन लेना चाहेंगे, 3,000, 6,000, 5,000, बिल्कुल ठीक है, आप बताइए कौन सा डिसीजन लेंगे अपनी कंपनी में। मतलब आपको सब पता लग गया कि आप कौन सा डिसीजन लेंगे। चलो एक मैं पॉइंट यहां बना देता हूं, चौथा पॉइंट और बनाता हूं मैं यहां पर। यहां बना दिया चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट अगर मैं बनाता हूं यहां पे, तो इसका क्या बनेगा, 4,000 तो आपको रेडियो में मिलेंगे, 1,000 आपको रेडियो मिलेंगे क्योंकि आप एक रेडियो बना रहे हैं यहां पर, और 4 टीवी, 8,000 यहां मिल जाएंगे, तो कितने मिल जाएंगे, 9,000, ठीक है। तो आप देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो रेड वाला पॉइंट है, ये मेरा ग्राफ से बाहर है। अगर ये ग्राफ से बाहर है तो इसका मतलब फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप वन और फोर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपका जो ये वैल्यूज हैं सब गड़बड़ा जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे रखा वन, फोर यहाँ रखा तो ये 12 से ज़्यादा हो जाएगी, आपने यहाँ वन और फोर रखा तो ये भी ज़्यादा हो जा रही, आपने वन यहाँ रखा फोर यहाँ रखा तो ये बच रही एक। तो क्या तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी तीनों कांस्टेंट उसके अंडर में आने चाहिए। अगर कांस्टेंट फेल हो रहे तो आपका काम नहीं बनेगा, आपका काम नहीं बनेगा, बिल्कुल ठीक है। फोर जो है आउट ऑफ रेंज है, उसको आप नहीं यूज कर सकते, ठीक हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां तीन कॉम्बिनेशन जो अंदर अंदर थे उसमें से भी एक कॉम्बिनेशन में आपको ज्यादा फायदा हुआ। तो ये सारे फिजिबल सॉल्यूशन हैं, लेकिन यानी आप ऐसा कर सकते हैं, यानी थोड़ी देर बैठ के धूप भी सेक सकते हैं, नुकसान में नहीं है आप, लेकिन प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज नहीं हुआ, आपके पास और गुंजाइश थी, अपने रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, कौन सा ऑप्ट करेंगे, ये वाला। तो जिसको हम, जो ये वाला है, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम, क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन।
एक बात, ये सारे फिजिकल, ये सारे कॉम्बिनेशन फिजिबल थे, यानी आप सारा कर सकते थे, और ये कैसा था, इनफिजिबल था। फोर्थ नंबर तो आप कर ही नहीं सकते थे, फोर्थ नंबर तो आपकी कैपेसिटी से बाहर चला गया, वो तो सोचना ही बंद कर दो आप, ठीक है। तो ये बात भी हो गई। अच्छा, आप अपनी बुक में देखिए जरा, थ्योरी से थोड़ा कवर करते हैं। जिन लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, और घर में जाके और देखिएगा इसको एक बार। यहां देखो एक लाइन लिखी हुई है उसने, इवन दो ऑल कॉन्स्टेंट आर लिस्टेड सेपरेटली दे शुड बी सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली, यानी सबको एक साथ चेक करना है आपने। व्हेन दीज रेस्ट्रिक्शन आर प्लेस ऑन टॉप ऑफ द अदर वी ऑब्टेन ए कॉमन एरिया। अब उसने क्या करा, एक कॉमन एरिया आ रहा। कॉमन एरिया का मतलब क्या आ गया, जहां पर उनका रेंज है। क्या रेंज है, देखो रेंज क्या आया था, जो हमने पिछले अभी पिक्चर में देखा था, उस पिक्चर में अगर आप देखते हैं तो उसमें रेंज जो आया है उसको, ये रेंज थी ना आपकी, ये। अब इस रेंज में आप देखिए एक बार जरा, क्या रेंज में देखिए, कि उस रेंज में ये देखिए कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन दो पॉइंटों में प्रॉफिट सेम है, जिन दो पॉइंटों में प्रॉफिट सेम है। तो यहां पर तीन लाइनें बनाई हैं। एक तो कहते हैं अगर हम यहां से यहां तक पे काम कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं यहां काम कर रहे हैं, और तीसरा कह रहे हैं यहां काम। तो एक तो पॉइंट ले लिया उन्होंने। अब ये लाइन में कॉम्बिनेशन क्या हुए, एक कॉम्बिनेशन तो हुआ आपका ये, एक कॉम्बिनेशन हुआ ये, एक कॉम्बिनेशन हुआ ये। तीनों कॉम्बिनेशन में अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपका प्रॉफिट सेम होगा। जैसे इस पिक्चर की एग्जाम्पल, तो अभी हमें कितना यहां प्रॉफिट हो रहा, देखना इस वाले में कितना प्रॉफिट हो रहा, 6000, इसमें कितना हो रहा, 5000। आप मुझे खुद ये बताइए, क्या 3000 का प्रॉफिट कहीं और भी हो सकता है, 3000 का प्रॉफिट किसी और कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है? मैं रेड कलर से बताता हूं आपको, यहां पर हो सकता है। कैसे, कि आपने कितने रेडियो बनाए, 3, टीवी कितने बनाए, नहीं बनाए, तो आपका ये वाला पॉइंट और पहला वाला पॉइंट दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में 5 नंबर पॉइंट और 1 नंबर पॉइंट पे तीनों में 3000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं अगर हम इसको ऐसे खींचते हैं। ये जो ब्लू लाइन है इसको हम बोलते हैं आइसो प्रॉफिट लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, आइसो प्रॉफिट लाइन। क्यों बोल रहे हैं आइसो प्रॉफिट, क्योंकि इसके सारे पॉइंटों में इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेम हो रहा है। ठीक है, इसके इन दोनों पॉइंटों में प्रॉफिट। तो ऐसी लाइन, सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आपके लिए पक्का है, ऐसी लाइन या ऐसे कॉम्बिनेशन जहां पर आपको दोनों या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन में एक ही क्वांटिटी का प्रॉफिट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम आइसो प्रॉफिट लाइन। पिक्चर में, बुक में आपके यहां ये दिया हुआ, देखिए वो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो, कि यहां पे तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, इस पूरी लाइन में कहीं पे भी प्रोडक्शन करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, इस पूरी लाइन में करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 3 का। ठीक है, जैसे यहां पे ग्राफ था 1:2, 2:1 या 3:1, तो यही वाली लाइन मैंने बताई जहां पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये बात समझ में आ गई, ग्राफ कंस्टेंट नॉन नेगेटिविटी कंडीशन एंड आइसो प्रॉफिट लाइन। तो क्या हो सकता है कि भैया नुकसान नहीं उठाना है आपको, ये ग्राफ से ऊपर नहीं जाना है, और आपका आइसो प्रॉफिट लाइन क्या होता है। जरा आइसो प्रॉफिट लाइन क्लियर हो गया तो जरा यस बोलिए।
चलो थोड़ा सा आप रिवीजन भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप मेरी इस क्लास में बैठे होते 122 बच्चे, मैं 122 बच्चों को सिखा देता, लेकिन यहाँ कंस्टेंट है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज लर्निंग। कॉन्स्टेंट क्या है कि इतने लोगों को, वो अलग अलग क्या सोच रहे हैं, मेरे को उनकी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा यहां पर भी मैं चाहता हूं सबको बता दूं, मेरे पास कॉन्स्टेंट है। फिर समझाने में भी कि मैं क्या 2000 लोगों को एक साथ समझा सकता हूं या 200 लोगों को, ये सब कॉन्स्टेंट है। ठीक है, चलो हमारा ग्राफिकल वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा हो रहा है। ग्राफिकल वाला क्वेश्चन पूरा होने वाला है, बस थोड़ी ही देर तसल्ली से बैठे रहिए आप लोग। तो यहाँ पर देखो कुछ बातें इसने बताई हैं। क्या बताई हैं, एक तो ये बताया इसने, पॉइंट ऑन अ लाइन विथ स्लोप -1/2 ऑफ इज द आइसोप्रॉफिट लाइन इन दिस। क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन वी मूव द लाइन पैरेलल टू इट सेल्फ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन एज फार एज पॉसिबल विदाउट रूमिंग इट कंप्लीटली फ्रॉम द रीजन ऑफ द सोल्यूशन। यानी ऐसी कोई भी लाइन है जहां कॉम्बिनेशन एक से होते हैं, उनकी बात कर रहा। द एडजेसेंट फिगर द मूवमेंट डेपिक्टेड बाई द कंटिन्यूस अपवर्ड शिफ्ट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ। अब वो क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है, जिसको हमने वो लाइन फाइनली फाइनल किया था, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहे हैं। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज गिविंग बाय द फाइनल पॉइंट डी द मीनिंग द आइसोप्रो। तो इसमें बोला कि ये जो द मीटिंग ऑफ द पेंटागन वर्टेक्स एंड आइसो, तो जो सबसे जो पूरा पेंटागन बना उसका सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है वो आपको प्रॉफिट कर रहा है। और जो कॉम्बिनेशन ये 6-6 कैसे आया, देखो कैसे आया, 4/3 रेडियो, और 4/3 का मतलब क्या होता है, 1.3 समथिंग। 3/8 क्या होता है, 2.6। अब देखो 1.3 और 2.6 कहाँ है पिक्चर में, देखो जरा कहाँ है, जरा देखना 1.6 एंड 2/3 ये वाला पॉइंट। इसको मैं सारा मिटाता हूं तभी आपको समझा पाऊंगा। देखो यहां पर क्या है, ये है आपका ये वाला पॉइंट ना डी, तो ये कितना है 1.6 कह रहा है, और इधर क्या कह रहा है डी वाले में 2.3, ये यहां कहीं कह रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को उसने बोला भैया सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला पॉइंट ये है, जहां पे इतने रेडियो और इतने आपके टेलीविजन अगर आप बनाएंगे। थोड़ा सा ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। चलो आगे आ जाओ, और उससे अगर करेंगे तो देखो इसमें हमें मिला था 1000 रुपये और इसमें मिला था हमें 2000 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, 5200 और 130, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, चलो आगे। वी सी दैट इफ द एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एटलीस्ट वन सच सॉल्यूशन इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द पॉलीगोनल रीजन रिप्रेजेंटिंग द फिजिबल सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो इंट्यूटिवली क्लियर एज देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस, वी कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कहता है जो भी हमारे वर्टिसेस आ रहे हैं, जो ऊपर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, उन कॉम्बिनेशन से ही हमको कोई लेना है। अब अगर हम बात करें यहां पर, एक हमारा ये आ रहा था, इसमें क्या आ रहा था, दो से कम कुछ रेडियो हैं और एक से ज्यादा कुछ क्या है, टीवी है। ठीक है, तो करीब 3 से करेंगे 3000 रुपये, और यहां पे कितना हो जाएगा, लगभग 2.25 5000 रुपये आ रहा। तो इसका प्रॉफिट कम है, इसका प्रॉफिट ज्यादा है। आगे देखिए, ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल विल बी दैट व्हेन आइसो प्रॉफिट लाइन
एंड द बाउंड्री कोइंसाइड, द स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द सेम एज द बाउंड्री लाइन, देन वी विल हैव मैनी ऑप्टिमल। कभी कभी कहता है कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जहां पर हर जगह बराबर आता है, जहां पर हर जगह बराबर आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैनी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आते हैं, मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो दे रहा है। ठीक है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ द दिस अप्रोच दैट इन प्रॉब्लम लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वेशन देयर विल बी पॉसिबल पॉइंट्स। तो कहता है जब बहुत सारे कॉन्स्टेंट इक्वेशन हो जाए, अभी हमारे इस क्वेश्चन में कितनी कॉन्स्टेंट इक्वेशन थी, इस क्वेश्चन में 3 कॉन्स्टेंट इक्वेशन थी, ये वाली और ये वाली, हो सकता 20 हो जाए। अगर ये 20 हो जाती तो 20 हो जाती तो आपका ग्राफ कैसे बनता, आपका ग्राफ ऐसे बनता, एक लाइन का ये आ गया, दूसरी लाइन का ये आ गया, तीसरी लाइन का ये आ गया, चौथी लाइन का ये आ गया, पांचवी लाइन का ये आ गया। तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनता वो कौन सा बनता, ये वाला। तो जब बहुत ज्यादा लाइनें होती हैं तो ये काम भी उतना आसान सा नहीं हो जाता है। ठीक है, चलो ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देते हैं और चलो थोड़ा बुक का आप हेल्प ले लीजिए, थोड़ा बुक का भी हेल्प ले लीजिए। अच्छा, एक ने पूछा वाई एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो हाउ इज प्रॉफिटेबल। बिल्कुल ठीक है कि भैया नुकसान ना होना भी तो एक प्रॉफिट है, अगर आपका नुकसान ना हो रहा तो वो भी एक प्रॉफिट है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, कोई ना ना स्वेटर बनाए, ना जैकेट बनाए, ना पैंट बनाए, ना कोट बनाए, धूप सेक ले तो ना भैया आपके खर्चे होंगे ना आपकी आमदनी होगी, इसलिए बोला हुआ इसमें। चलो आगे चलते हैं, सिंप्लेक्स भी खत्म करना है अभी हमको। चलो अब आते हैं हम लोग सिंप्लेक्स पे, किस पे आते हैं, सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है और सिंप्लेक्स से हमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लेक्स की जब मैं बात करूंगा तो सिंप्लेक्स से क्वेश्चन कई बार 5 मार्क्स का आता है। कहीं मत जाइएगा क्लास पे, क्लास छोड़ के मत जाइएगा कहीं पर भी, वरना आप कुछ प्रॉब्लम में आ सकते हैं, कुछ भूल सकते हैं, कुछ खो सकते हैं। क्या बात हो रही है देखो यहाँ पे। तो उसने कहा लीनियर प्रोग्रामिंग का जो मेथड है वो क्या है, दूसरा मेथड क्या है, वो सिंप्लेक्स मेथड है। मेथड इज कॉम्प्लेक्स, नाम है सिंप्लेक्स, मेथड है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलता है, विथ कंप्यूटर प्रोग्राम्स स्प्रेड शीट्स अवेलेबल इट इज पॉसिबल टू यूज मेथड इफेक्टिवली एंड सॉल्व द इक्वेशन। क्या है, चाहे 10-12 वेरिएबल का भी आपका मामला हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम है, एक कंपनी है जो क्रिकेट बैट बनाती है और चेस बनाती है, चेस का सेट, और क्रिकेट में 2 रुपए का, चेस में 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। क्रिकेट में 2 रुपए का, इसको समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप ये क्वेश्चन समझ रहे हैं तो ही आप सिंप्लेक्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ, उसने बोला कि एक क्रिकेट का बैट बनाने के लिए 2 रुपए का फायदा होता है, क्रिकेट बैट और चेस
ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, उसने क्या करा कि ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि भैया जितने हम बैट बनाएंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट में बोला 2 रुपीज और 4 रुपीज, ठीक है। तो 2 × b यानी बैट प्लस 4 × चेसबोर्ड इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। दूसरा उसने बोला उसके पास कितनी वर्कशॉप है, 3 वर्कशॉप है। कितनी? 3 वर्कशॉप है और हर वर्कशॉप में घंटे अलॉट हैं उसके पास। क्या? उसने कहा कि टोटल 120 घंटे, टोटल 72 घंटे, टोटल 10 आवर्स हैं। इस वाली वर्कशॉप में 4 घंटे बैट बनाने के लिए, 6 घंटे सेट बनाने के लिए। इस वर्कशॉप में ऐसा है और ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है। तो हमें कॉन्स्टेंट क्या है? देखो, जो भी वैल्यू टोटल दी होती है, कितनी टोटल वैल्यू है, 120। 120 वैल्यू इसके कॉम्बिनेशन से बन रही है। कैसे बन रही है? कि 4 × b प्लस 6 × c मस्ट नॉट बी मोर देन क्या है, 120। ये वाली इक्वेशन देखिए। वर्कशॉप टू में क्या है कि 2 × b प्लस 6 × c मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 72। तीसरी वाली क्या है, 0 × b प्लस 1 × c नॉट इक्वल टू क्या है, 10। ये तीनों इक्वेशन आ गई, बोलिए तीनों इक्वेशन आ गई यहां पर। इन तीन इक्वेशंस के बेस पे हमको इस मैक्सिमम प्रॉफिट पे काम करना है। तो इसको हम ग्राफिकल से भी कर सकते थे। वेरिएबल कितने हैं इसमें? 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसको करने के लिए उसने बोला कि कैसे हम एलपी फॉर्मेट से कैसे करेंगे, एलपी फॉर्मेट से इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या बोलता है, द एलपी फॉर्म ऑल द कॉन्स्टेंट आर कन्वर्टेड इंटू इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्लैक वेरिएबल। ये स्लैक वेरिएबल नाम का वर्ड आपके एग्जाम में मिलने वाला है। क्या है इसको करने के लिए, मैं कुछ आपको बताता हूं। फोर बी प्लस 6c, फोर बी प्लस 6c, ये जो हमने कॉम्बिनेशन सारे बनाए थे वो हमें यहां लिखने पड़े। 2b प्लस 6c, 2b प्लस 6c, उसमें 120 है, उसमें 72 है, 120 है उसमें क्या है, 72 है। और तीसरी वाली यूनिट में केवल वो बन रहा है, चेस बोर्ड बन रहा है, तो वो 10 आवर्स की अवेलेबिलिटी है उसकी, सी 10, ठीक है। ये तीन आपके कांस्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा इस बात को। ये कहता है कि ये जो ये वर्किंग है आपकी, ये वर्किंग कभी भी 120 के बराबर या उससे कम रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ भी यहां पर, या तो यहां पे इक्वल टू लिखा होता, लेकिन अगर इक्वल टू की जगह स्मॉलर देन भी है, इसका मतलब ये वैल्यू कम है। आप ऐसे कह सकते हैं 4b + 6c + समथिंग विल इक्वेट द इक्वेशन लाइक दिस। ऐसे ही 2b + 6c + समथिंग विल मेक द इक्वेशन लाइक दिस, एंड द थर्ड वन इज द सी एंड प्लस समथिंग विल मेक दिस लाइक 10, ठीक है। यानी कुछ अगर हम इसमें जोड़ दें तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। अब वो क्या जोड़ दें? जो हम जोड़ने की बात कर रहे हैं वही जोड़ना कहलाता है स्लैक वेरिएबल। वही जोड़ना क्या कहलाता है? स्लैक वेरिएबल। इसको देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये क्या बोलता है, इन द स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म द ऑल द कॉन्स्टेंट आर कन्वर्टेड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्लैक वेरिएबल। ऑल्सो मेक श्योर दीज इक्वेशन हैव नॉन नेगेटिव राइट हैंड साइड। यानी राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या करा उसने, पहले वाले में m जोड़ा, दूसरे में n जोड़ा, तीसरे वाले में p जोड़ा। तो हमारे हिसाब से पहले वाले में क्या जोड़ा उसने, m जोड़ा, ठीक है, n जोड़ा और क्या जोड़ा, p
ठीक है। अब ये तीन इक्वेशन इस तरह की बन गई। और अगला आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, वो ऑब्जेक्टिव एम एन पी जोड़ रखा ना इसने, एम एन पी, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या था, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका था जेड इज इक्वल टू 2b+4c, क्या था, जेड इज इक्वल टू 2b+4c, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली बन जाएगी हमारी जेड इज इक्वल टू 2b+4c प्लस एम प्लस एन प्लस पी, यानी ये जो वैल्यूज हैं इनको जोड़ने से, लेकिन यहां पे क्या लिखा, 0 0 0, क्यों लिखा 0 0, आप इधर देख लीजिए। देखो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, उसमें ग्रेटर देन नहीं होता है कभी भी, मैक्सिमम वो तो कैलकुलेटिव पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है। तो वहां उसके बाद इन सारी वैल्यूज को जब वो इधर एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जेड माइनस 2b माइनस 4c माइनस m माइनस n माइनस p इज इक्वल टू 0, ये हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको ये काम करना होता है, थ्योरेटिकल जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो आपके एग्जाम से उठ के आती हैं। और इसके बाद आपके पास जो भी लोग हैं आप उनको यहाँ टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पहले देखो आप बुक में देखो, जेड बी सी एम एन पी और सॉल्यूशन, क्या बोला उसने, जेड बैट चेसबोर्ड एम एन पी और लास्ट कॉलम क्या है इसका, सॉल्यूशन का, लास्ट कॉलम क्या है उसका, सॉल्यूशन का है, यहां पे आप इस साइड क्या लिखेंगे, एक तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे और जितने आप वेरिएबल लाए हैं वो लिखेंगे, इसको बोलते हैं एलपी फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं एलपी फॉर्म। अब वैल्यू देखिए, पहली वैल्यू देखिए जेड वाली, इस वाली से देखिए जरा, बोलता है बी की वैल्यू -2 है, तो बी की वैल्यू आप यहां पर क्या रख देंगे, -2, सी की वैल्यू क्या है -4, एम की वैल्यू क्या है 0 0 0 है, ठीक है। अगली बात क्या कहता है यहां पर, अगली बात इसमें कहता है इसकी, हाँ जेड की वैल्यू इसमें क्या है 1 है, एम वाले में, तो एम वाले में जब हम जाएंगे तो एम वाले में क्या यूज करेंगे, देखिए एम वाले में है 0 4 6, तो जितनी कांस्टेंट वाली वैल्यू है एम वाली एम पी वाली और उसमें कौन कौन सी, देखो उसमें एम वाली कौन सी ऊपर वाली है, तो एम वाली पूरी ऊपर वाली है, यहां पर है आपका 4 और यहां पर आपका कितना है 6, ठीक है, और 120, सॉल्यूशन क्या है इसका 120। ऐसी दूसरी वाली में देखिए 2b 6c और 72, फिर क्या है आपका c वाले में क्या है 1 है और यहां पे कितना है 10 है, ठीक है। अब ये इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहीं एक्सप्लेन करूंगा, यानी ये आपकी इक्वेशन कैसे बनी समझ लीजिए, ये इक्वेशन कैसे बनी ये मैंने आपको समझा दिया, और यहीं इसी इक्वेशन पे अब मैं आगे सॉल्यूशन मैं सॉल्व कराता हूं आपको, एक स्टेप कराऊंगा मैं आपका इसका। यहां देखिए इस इक्वेशन बनाने तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और एक जस्ट रिवीजन ले रहा हूं मैं, कौन कौन से वर्ड्स हमने अभी तक समझ लिए, कौन कौन से वर्ड्स हमने समझ लिए, जरा बैटरी मैं बदल चेंज कर लूं इसकी, बैटरी चेंज कर लूं एक मिनट, तब तक मैं बात कर रहा हूं आपसे
कि कौन कौन से वर्ड्स हमने समझ लिए। हमने सबसे पहले समझा, हमने समझा कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या होता है, स्लैक वेरिएबल क्या होता है, और ये जो कॉन्स्टेंट होते हैं कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, हमारा पर्पज अल्टीमेट क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझ रहे थे। हमने ग्राफिकल मेथड को समझने की कोशिश करी। अब हम बात कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड की, जिसको उन्होंने कॉम्प्लेक्स मेथड का नाम भी दिया है, जिसको उन्होंने कॉम्प्लेक्स मेथड का नाम भी दिया है। स्लैक वेरिएबल का काम होता है इक्वेशन को इक्वेट करना, जो उसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइज सिंबल होते हैं, उन सिंबलों को एडजस्ट करके न्यूमेरिकल वैल्यू में लाना। हाँ जी, तो इसमें देखिए, इसमें अब तीन चार जो थ्योरी के क्वेश्चन है इस अगले 5 मिनट में हमारे क्लियर होने वाले हैं। ये फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो क्लास ले रहे हैं हमारी। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन आया था बंदा। अच्छा, नीरज का क्वेश्चन है फ्रैक्शन में रेडियो और टीवी, बिल्कुल सही है भैया। आपको मैथमेटिकल सॉल्यूशन दिया है इसने कि आप 1.2 रेडियो बनाओ, लेकिन आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आप 1 बनाओगे। वो तो मैथमेटिकल आंसर है, प्रैक्टिकल आंसर क्या होगा, आप उसके नंबर को, क्योंकि आपको पता फ्रैक्शन में नहीं बना सकते। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो अभी आपने क्वेश्चन रेज किया है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जेड में 1 कैसे आया पूछते हैं, जेड में 1 कैसे आया यहां बताते हैं। देखिए जेड के, जेड ये जो इक्वेशन है, इस जेड का कोफिशियंट क्या है, 1 ही तो है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका क्या है, 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका कोफिशियंट, जो भी जिसके कोफिशियंट हैं वो ले आएंगे। अब यहां पर आप देखिए, जब हम ये वाली इक्वेशन कर रहे थे, इस इक्वेशन में क्या है, एम का कोफिशियंट क्या है, 1, तो आपका एम की जगह क्या आएगा, यहां पर 1 आएगा। इस इक्वेशन में एन का कोफिशियंट है 1 और इस इक्वेशन में पी का कोफिशिएंट है 1, बाकी सारे प्लेस 0 आएंगे, बाकी सारे प्लेस क्या आएंगे, 0 आएंगे, क्योंकि जो वेरिएबल है ही नहीं। कैसे, इधर 0 क्यों है, क्योंकि इनमें, इन तीनों इक्वेशन में जेड का नाम ही नहीं है। ठीक है, इसमें 1 क्यों है, क्योंकि इसमें जेड का नाम है। क्लियर हो गई बात। चलो अब देखो, इसमें आपके लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, आपको सबसे मोस्ट नेगेटिव जेड में से उठाना है, क्योंकि जब तक नेगेटिव रहेगा कोई वैल्यू, तब तक प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं रहेगा आपका। जब तक कोई नेगेटिव वैल्यू रहेगी तब तक प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं रहेगा, तो मोस्ट नेगेटिव को उठाना पहले। तो मोस्ट नेगेटिव कौन है भैया इसमें, ये है। ठीक है, इस वाले पूरे कॉलम, इस वाले पूरम पूरे कॉलम से इसको डिवाइड करना है, यानी क्या करना है, -4 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1। समझ में आई बात, तो क्या हो जाएगा यहां पे वैल्यू देखो, यहां पे 0 आ जाएगी, यहां पे आ जाएगा 20, यहां पे आ जाएगा 12, यहां पे क्या आ जाएगा 10। ठीक है,
अब यहां से आपको क्या लेना है, लीस्ट नंबर, लीस्ट पॉजिटिव नंबर लेना है। क्या लेना है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर। तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर कहां कौन है भैया, इसमें लीस्ट पॉजिटिव नंबर इसमें है 10। क्या है इसमें लीस्ट पॉजिटिव नंबर, 10 है। ठीक है, आपका ये 10 लीस्ट पॉजिटिव है तो आपके लिए इसका रोल बढ़ जाता है। किसका रोल बढ़ जाता है, इस लाइन का रोल। ठीक है, आप देखो क्या हुआ, जो मोस्ट नेगेटिव होता है उसको हम पाइवट एंट्री बोलते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा था किसी ने मुझसे, इसको हम बोलते हैं पाइवट एंट्री। और पाइवट एंट्री को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं पाइवट रो, पाइवट रो। ठीक है, तो ये जो है पाइवट एंट्री का काम करती हैं और ये जो है पाइवट रो का काम करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जब हमने ये वाला जो काम है केवल इस रो को आइडेंटिफाई करने होता, यानी इसमें इसके बेस पर, इस लाइन के बेस पर, नीचे वाली लाइन के बेस पर इसको जीरो करना है, नीचे वाली लाइन के बेस पर इसको जीरो करना है, नीचे वाली लाइन के बेस पर इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, C की वैल्यू है -4, इसकी वैल्यू है 1। आप इक्वेशन बनाएंगे तो अगर मैं ऐसा लिखूं प्लस, यहां मैं लिख देता हूं 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो आ जाएगा जीरो। इसका मतलब हुआ कि इस नीचे वाली पूरी लाइन में, नीचे वाली पूरी लाइन में 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। करें देखो, जब आप इसको करेंगे ऐसा तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसका नेक्स्ट पेज देखिए, ये देखिए। तो अगर मैं इस वाली लाइन को लेता हूं, देखो क्या लिखा हुआ यहां पे, -2। क्या लिखा हुआ यहां पे, -2 और यहां पर +4 इंटू जीरो, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 रहेगा। तो यानी ये तो जीरो हो गया, ये -2 हो गया, और यहां जीरो है, यहां जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां जीरो कोई फर्क नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें यहां पर तो है जीरो, और आप क्या करेंगे, यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 इंटू 10, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 40। तो आप अगर आगे नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहां पे ये देखिए कितना आ रहा वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, जैसा भी हमने निकाला था, ये 4 आ गई, ये 40 आ गई और ये -2 आ गई। ठीक है, यानी कि ये एक एक्सरसाइज है जो आप इसको करेंगे तो उसने बोला कि जो नया जो पाइवट रो है उसका हिसाब तो ऐसे करेंगे, और जो ऑल अदर का हिसाब है, ऑल रोज का हिसाब, उसको क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं जिससे आपको दोनों इक्वेशन जो है साथ साथ दिखाई दे।
यहां देखिए, आप अगर इतना समझ गए, आप अगर इससे ये कन्वर्ट करना समझ गए, तो आप इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए सक्षम हैं, पॉसिबल है, आप कर पाएंगे। और अगर और हमारे जो अदर लेक्चर्स हैं उसमें डिटेल्स में सब समझा रखा है, अभी मैं आपको हिंट जरूर दूंगा आपको। यानी ये जो पहली वाली लाइन थी, इसका ये जीरो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये जीरो, जेड वाले का जो जीरो कैसे बनेगा, कि अगर हम इस ऊपर वाली लाइन को ऐसे यूज करें और यहां पर सब में किससे मल्टीप्लाई कर दें, चार से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, चार से। तो चार से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ये चार से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ा, इसको जीरो करना है। चार से इसे करेंगे तो यहां पे जीरो आएगा, यहां पे जीरो आएगा, यहां चार आएगा, यहां जीरो आएगा, यहां जीरो आएगा, यहां चार आएगा, सॉरी। यहां पे क्या आएगा, चार आएगा, और यहां पे क्या आएगा, 40। तो आपने चार से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ में प्लस कर दिया, करें वन से जीरो को प्लस किया, वन प्लस जीरो किया तो ये वैल्यू आई, माइनस टू प्लस जीरो किया ये आई, माइनस फोर प्लस फोर किया जीरो आया, जीरो प्लस जीरो किया जीरो, जीरो प्लस जीरो किया जीरो। समझ में आ रही है कुछ बात, हो सकता नहीं आ रही हो भैया, और जीरो प्लस 40 किया ये, ठीक है। अब दूसरी वाली में देखते हैं, देखिए दूसरी वाली में क्या है, दूसरी वाली में भी ऐसे ही है। दूसरी वाली को मैं ब्लू कलर से लेता हूं, लेते हैं। उन्होंने कहा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, सॉरी, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस यहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है, अभी देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस प्लस दिस यहां पर भी गड़बड़ हो रही है, दो जगह गड़बड़ हो रही है, अभी देखते हैं, एक मिनट। छह को जीरो बनाना है, छह को जीरो बनाना है तो छह से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस चार रहेगा छ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सुनो एक बार और जरा, जब हमें इसको जीरो बनाना था तो हमने क्या करा, जब हमें इसको जीरो बनाना था तो हमने इसको मल्टीप्लाई किससे किया था, फोर से। अब हमें अगर इसको जीरो बनाना हो, किसको, इसको जीरो बनाना हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, छ से। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे तो इनटू फोर कर रहे थे, जब हम इसके साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो इनटू क्या करेंगे, सिक्स करेंगे, ठीक है। और जब हम इसके साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, छह को जीरो बनाना तो सिक्स इनटू करेंगे, ठीक है। तो अब यहां देखो जरा, यहां जब हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इस हर लाइन में किससे मल्टीप्लाई होगा, छह से। अब देखिए कैसे, अगर हम इसका ट्रीटमेंट इससे कर रहे हैं, देखना जरा। और एक बात और है, ये क्या है, प्लस सिक्स है, क्या है, प्लस सिक्स, प्लस सिक्स को वन से क्या मल्टीप्लाई करें कि जीरो आ जाए, माइनस सिक्स, किससे करेंगे, माइनस के सिक्स से, किससे करेंगे, माइनस के सिक्स से करेंगे यूज, माइनस के सिक्स से करने में ये जीरो पूरा बनेगा। आप देखो यहां एग्जाम्पल देखो, 120 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या आया, 60 आया, तो यहां पर आप देखो 60 आ गया है, ठीक है। अच्छा तीसरी लाइन को देखो, इस सिक्स को जीरो करना है इसके साथ, तो सिक्स प्लस वन इंटू माइनस सिक्स, तो ये जो बोला हुआ है इसमें न्यू पाइवेट एंट्री,
पाइवेट एंट्री हमारी पूरी क्या है इस वाले में, 6 थी, और नई पाइवेट एंट्री क्या है हमारे लिए, क्या है, -6। तो इसकी मल्टीप्लाई देखे। अच्छा अब और देखना एक बार जरा, वो कहता है कि जो पाइवेट रो है इसका हिसाब कैसे करेंगे। पाइवेट रो में कह रहा है कि पूरी रो को, इस पी वाली पूरी रो को सिर्फ इससे डिवाइड करना है, इससे कर दीजिए डिवाइड, तो 0 / 1 ये आ गया, 0 / 1 ये आ गया, 1 / 1 आया, 0 / 1 0 आया, 0 / 0 आया, ये आया और ये आ गया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इटरेशन। क्या बोलते हैं? इटरेशन, यानी कुछ वैल्यू को आउट करना। और ये करा क्यों जाता है, इस पूरे कॉलम को हमने, इस पूरे कॉलम को क्या बना दिया, 0 में कन्वर्ट कर दिया। और जो हमारा ये पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप के बाद जैसे हमने -4 देखा था, अब हम इसमें देखेंगे मोस्ट नेगेटिव कौन है, -2 है। इस बार हमारा जो पाइवेट एंट्री होगा वो ये वाला कॉलम होगा, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव 2 है। तो मोस्ट नेगेटिव 2 को 0 बनाने के लिए, मोस्ट नेगेटिव 2 को 0 बनाने के लिए अब की बार हम इसका ट्रीटमेंट इससे करेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट इससे करेंगे। ठीक है, तो यानी इसको आपकी 0 बनाना होगा। और 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए इस पूरे कॉलम से इसको पहले डिवाइड देंगे, -2 / -2 / -2 / -2। क्या बन जाएगा यहां पे, यहां पे -20 बनेगा। ठीक है, और यहां पे क्या है, अच्छा -40 / -2 / 60 / 4 ये 12 / 2 ये और 10 / 0। तो क्या वैल्यू आएगी, -20 आता है, फिर आता है यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे आता है 6, फिर यहाँ पे आता है 0। तो अब की बार आप देखिए कि इनमें से लीस्ट नंबर कौन सा आया, ये वाला आया। तो आपकी जो पाइवेट एंट्री है इस बार ये वाली है। जो मिनिमम वैल्यू होती है उसके पैरेलल जो रो होती है उस रो को हम पाइवेट रो बोलते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, पिछली बार तो सारा ट्रीटमेंट हमने किसके साथ किया था, इस रो के साथ किया था, इस बार सारा ट्रीटमेंट इस रो के साथ करेंगे। कैसे करेंगे भैया, ये बताओ, -2 को 2 के साथ कैसे 0 बना सकते हैं, -2 को 2 के साथ कैसे 0 बना सकते हैं, कि आप किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से करें। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी रो में 1 से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी रो में 1 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, 1 - 2 - 0 - 0 - 0 - 4 - -20 - 1। और जो वैल्यू आएंगी इसको रिप्लेस कर देंगे पहली लाइन को। तो अब जब नेक्स्ट हम कर रहे हैं, ये अपनी बुक में आप करके देख लीजिएगा एक बार, यहां देखिए, जब अब एक और नई वैल्यू बन गई। ठीक है, ये जो वैल्यू दोबारा बन के आई है, इस वैल्यू को आप यूज करते जाएंगे नेक्स्ट, तब तक यूज करेंगे जब तक आपका, देखो यहां पे भी ये भी 0 आ गया, पहले सी 0 किया, बी 0 किया, जो जो 0 होते जाएंगे वहां पे नाम बदलते जाएंगे, जो जो 0 होते जाएंगे वहां पे नाम बदलते जाएंगे। यहां पर क्या है, MNP था, यहां पे सबसे पहले क्या था, MNP था, देखिए, फिर MNP के बाद क्या हुआ, MBC हो गया, यानी NNP को, N और P को एक एक लाइन करके सेकंड, पहले कौन उठा, पहले C को 0 किया उन्होंने, पहले C को 0 किया, जिसको 0 कहते हैं वही नाम यहां आता है। ठीक है, और अगली बार B को किया इस लाइन से, तो इसका नाम B आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो दोबारा किया, तो यहां पर आपने देखा कि इस वैल्यूज के तब तक करते जाते हैं जब तक सारे जो वैल्यूज हैं ऊपर क्या हो जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, क्या है देखो यहां पे, जब तक ये वैल्यूज क्या ना हो जाए, जो बी और सी की वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, तब तक ये काम करते रहते हैं। और जब ये 0 हो जाती हैं, तो बी और सी जिसके
जो यहां पे आप बदलते जा रहे थे उसके जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं वो आंसर होते हैं, यानी कितने बैट, 24 बैट प्लस 4 जो है वो बनाए जाए, तो 24 बैट हैं, एक बैट में 2 रुपए कमा रहे हैं, 4 बैट में 4 रुपए कमा रहे हैं, तो इसका मतलब 48 प्लस 16 64 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट ये फर्म कमा सकती है। ठीक है, 68 रुपए का ये 64 का प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है, आप कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं, देखो प्रैक्टिस तो आपको कर लेना, और मेरा कहने का मतलब ये लीनियर प्रोग्रामिंग अगर समय है आपके पास तो सीख लीजिए अच्छे से, नहीं समय है, पजल्ड लग रहा है, तो कुछ बातें जो मैंने बताई थी, अब हम इस क्लास को रैप अप कर रहे हैं, किसके साथ, क्लास छोड़नी नहीं अभी, उन वर्ड्स के साथ जो हमने इस पूरे आज के चैप्टर में पढ़े। प्रैक्टिस आपके हाथ में है, मेहनत आपके हाथ में है, साथ हम देने के लिए तैयार हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, देखो वर्ड बोलने हैं आपने, जो जो आप वर्ड बोलेंगे मैं वही लिखूंगा, आप आंसर करते जाइए। हाँ, बीच में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो गया था एक उसमें, क्योंकि मैं भी 6 महीने बाद आपके साथ करता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन पकड़ लिया था मैंने। आंसर चाहिए मुझसे, रिवीजन हो रहा है इस समय, स्लैक वेरिएबल, वेरी गुड। और पाइवेट एंट्री पढ़ा, बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टेंट्स पढ़े, ठीक है, फिजिबल रीजन पढ़ा या फिजिबल सॉल्यूशन पढ़ा, फिजिबल रीजन, या सॉल्यूशन पढ़ा, पाइवेट रो पढ़ी, ठीक है, बिल्कुल, सॉल्यूशन की बात करी हमने, आईएसओ प्रॉफिट लाइन की बात पढ़ी हमने, मैक्सिमम प्रॉफिट पढ़ा, या जिसको हम ऑप्टिमम बोल लें, ऑप्टिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट, और क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड कहां पढ़ा भाई, स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा इस चैप्टर में हमने, अरे अरे इस आज के टॉपिक में क्या पढ़ा, कई लोग क्लास छोड़ के जा चुके हैं, बताइए, पेपर पास ही होने का मन नहीं लोगों को, 5 नंबर पक्के करा रहे हैं 2 घंटे में, चलिए जो लोग चले गए उनके लिए एक दुख भरी खबर है कि वो लोग एक चीज छोड़ गए, क्या छोड़ गए, देखिए सामने ये छोड़ गए जो लोग चले गए, इसको पढ़ लेते हैं, जो लोग हैं क्लास में लाइव हैं वो लोग देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है, प्रियंका गोदारा ने बोला ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ी हमसे, देखिए क्या है इसमें, मिनिमाइजेशन, अभी तक हमने मैक्सिमाइजेशन करी, तो क्या होता है, द स्टेप्स आर आइडेंटिकल फॉर सॉल्विंग मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज रादर देन मैक्सिमाइज, देयर फॉर अ पॉजिटिव जेड रो वैल्यू नाउ इंडिकेट पोटेंशियल इंप्रूवमेंट, द वेरिएबल एसोसिएटेड विद द लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन द जेड रो वुड बी द एंटरिंग वेरिएबल, वहां हम देखिए वहां हम देख रहे थे लार्जेस्ट नेगेटिव, क्या देख रहे थे, लार्जेस्ट नेगेटिव को हम पाइवेट कॉलम की, पाइवेट एंट्री की तरह देख रहे थे, ठीक है, तो अब मैं इसमें एग्जाम्पल में भी दिखा दूं आपको, आपको एक आंसर देना है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक आंसर देना है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इस वाले उसमें आप आंसर दीजिए कि इसमें किसको हम पाइवेट
का यूज करने के लिए करेंगे, इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट पॉजिटिव है, इसको नहीं यूज करेंगे हम। यानी इसका जो पी है इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय -6, डिवाइडेड बाय -6, ऐसे करके, डिवाइडेड बाय 1, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये जो मैंने बताया कि जब आप मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में जाते हैं, जब आप मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है उसको यूज करते हैं। ठीक है, और आगे बोलता, देखिए इसको पढ़ के जाइएगा पूरा, द वेरिएबल, हाँ एंटरिंग वेरिएबल भी पढ़ा हमने, द वेरिएबल टू बी रिप्लेस इज डिसाइडेड फॉर बाय चूजिंग द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो का मतलब जो लास्ट में सॉल्यूशन में इधर इधर था उसका सबसे छोटा वाला उठाएंगे। ठीक है, और आगे देखिए, द लास्ट टेबल यू, यानी टेबल में विच इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेबल यू, गिव्स अस अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन दैट जस्ट नॉट द वैल्यू द मेन वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द स्लैक वेरिएबल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेस। फॉर इंस्टांस इन द अबव एग्जाम्पल एम इज इक्वल टू 6 इन द ऑप्टिमम टेबल यू, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एम मीन्स दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छी बात आ गई इसमें। देखो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू, हमारी सॉल्यूशन आया था ना पीछे, जो हमारा सॉल्यूशन आया था उस सॉल्यूशन में जो एम की वैल्यू है, उस सॉल्यूशन में क्या था, जो एम की वैल्यू है वो एम की वैल्यू में हमें क्या हेल्प करती है ये बता रहे हैं। ये देखो यहाँ जो आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, कि जो आपका ये था आंसर आपका ये आ गया, तो एक ये जो वेरिएबल बचता है यहाँ पे 6, तो वो ये कहता है कि भैया इसका अभी आप अंडर यूटिलाइजेशन है, इसका क्या है आपका अंडर यूटिलाइजेशन है, यानी इस चीज की या तो आप उसकी उसको बुलाना कम कर दीजिए, जो आपके पास यूज हो रहा है वो अभी कम है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि भैया जो चीज होती है वो ऑप्टिमम यूज करनी चाहिए। दिस पॉजिटिव वैल्यू एम मीन्स दैट पर्टिकुलर रिसोर्स नॉट फुली यूज्ड अप, सच ए रिसोर्स इज कॉल्ड द अबंडेंट रिसोर्सेज। देखो ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, अबंडेंट रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हम रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ अभी विदाउट कुछ बोल रहे हैं, जीआईबी में रफ सीट मिलनी है, अब देख लो क्या है। तो इसको थ्योरी तो पक्की करो हमारे साथ जो हम थ्योरी बता रहे हैं। हेयर इट मींस दैट ए वर्कशॉप 1 इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज इन प्रोड्यूसिंग द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ द बैट्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है, सो दैट द मैनेजमेंट में डिसाइड टू पुट सम अदर, तो उसका जो मशीन का यूज है कुछ और करने में का, द अदर टू स्लैक वेरिएबल एम एंड पी डू नॉट अपीयर्स टू बी बेसिक वेरिएबल इन द ऑप्टिमल टेबल्यू, दिस मीन्स देयर वैल्यू इज 0, दिस सजेस्ट दैट द रिसोर्सेस ऑफ एम एंड पी वर्स ऑफ 2 and 3 आर वर्किंग देयर फुल कैपेसिटी इन द प्रोड्यूसिंग 24 वैट। तो दो उसमें वो काम करें, वेन द वैल्यू ऑफ स्लैक वेरिएबल इज 0 द करस्पॉन्डिंग रिसोर्स इज कॉल्ड द स्कार्स। अब देखो सुनो, वो कहता है कि जो आप कम यूज कर रहे हैं वो एबंडेंट है, जिसका पूरा यूज कर रहे हैं वो स्कार्स वैल्यू है, 0 वैल्यू में। ठीक है, सिलेक्ट वैल्यू वेरिएबल क्या है 0। फर्दर एनालिसिस ऑफ दिस मेथड कैन हेल्प द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब देखो एक बात, ये थ्योरी का पॉइंट है, सब छोड़ के चले गए कोई बात नहीं, खाना खाने की देर हो रही होगी कुछ। क्या बोलता है, एलपी कैन बी यूज्ड टू फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ रिजल्ट टू चेंज इन कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल लेबर फॉर 1% चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ परसेंट चेंज। क्या बोला इसने,
वो जो एलपी का यूज है वो सेंसिटिविटी भी यूज करता है कि 1% चेंज कॉस्ट में करेंगे तो उससे प्रॉफिट में वन कितने परसेंट का चेंज आएगा। वी कैन एनालाइज द मार्जिनल इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर कॉन्स्टेंट ऑन द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। व्हेन देयर आर अनसर्टेनिटी डिमांड वी कैन यूज द प्रोबेबिलिटी व्हाइल फॉर्मेटिंग द प्रॉब्लम। वो कहता है कभी कभी उस वाले क्वेश्चन में तो उसने बोला प्रोबेबिलिटी वन है, इसमें कह रहा प्रोबेबिलिटी कम ज्यादा होती तो उसी के हिसाब से हमें अपने आंसर को मैनिपुलेट करना है। वी कैन यूज द एलपी टू प्रॉफिट प्लानिंग ऑल्सो। वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ एलपी कॉल्ड द गोल प्रोग्रामिंग। द गोल विच आर डिजायर्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इन गोल प्रोग्रामिंग All goals, one or many, are incorporated into the objective function. This help us to do break even analysis or take final. तो इसमें help करता है। In the same way, we can use LP for financial budgeting. We should represent accounts in matrix for a spreadsheet. तो वो कहता है कि हम spreadsheet यानी Excel में भी इन सारे कामों को कर सकते हैं। हम लोग सारे कामों को कहाँ कर सकते हैं? Excel में भी कर सकते हैं। चलिए तो ये था इसमें हमारा जो टॉपिक था। तो वहाँ पर जब आपकी प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम कैसी आती है मैं बताता हूँ। अर्पणा विजयन जी JIB पास हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट में आके खिचड़ी नहीं पकी भाई, इतना 5 नंबर का टॉपिक हम पूरा पढ़ रहे हैं तो उसको आप रिवीजन करेंगे तो आपकी खिचड़ी जो है प्लाव में बदल सकती है अगर आप इसको घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा कि एक बीमार आदमी है, उसको इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम विटामिन और इतने ग्राम कैल्शियम चाहिए। आपके पास 3-4 डाइटें रखी हैं और आपने ये भी कहा कि उन डाइटों में से कुल मिला के फैट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उन डाइटों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे ऐसी XY+Y कर करके, कांस्टेंट को ध्यान में रखें। उसने कहा प्रोटीन 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो पता लगा आप उसे मूंग की दाल खिला रहे हैं और अरहर की दाल खिला रहे हैं और मछली खिला रहे हैं और नॉनवेज अंडा खिला रहे हैं, तो सबका प्रोटीन जोड़ेंगे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसने कहा 200 ग्राम से प्रोटीन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको इक्वेशन बनानी है। उसने बोला जो फैट है वो 500 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आप डाइट बनाएंगे, जो उसको मिल रहा है, उसका ध्यान रखेंगे कि एक केला दें या दो केले दें, एक सेब दें या दो संतरे दें। तो ये डाइट का अक्सर आता है उसमें। और मैन्युफैक्चरिंग का जो है हमने एग्जांपल में दिखा दिया, दोनों जो बुक के एग्जांपल थे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, इंटरेस्टिंग है। अपर्णा जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, JIB पास हो गए वो, ठीक है ठीक है। और खिचड़ी विचड़ी कुछ नहीं पकी भैया, CIB कर रहे हो। और जो इसका सॉल्यूशन अगर वैसे देखना है तो हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स है वो है, ठीक है। आज जो है एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी मेरे को, आज जो है एक कूपन कोड है OFF1500 1500। अगर आप इस कूपन को अप्लाई करते हैं आज की तारीख में तो आपको पूरे 1500 रुपये का ऑफ मिलेगा कोर्स में, CIB के कोर्स में। क्योंकि ये जो ऑफ है ये उन लोगों के लिए है जो आज JIB पास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये June 2020 के कोर्स के लिए है, ठीक है। वैसे तो ये जो JIB आज पास करके आ रहे हैं उनके लिए निकला हुआ है, लेकिन अगर आप लोग यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं।
कोई नहीं सर, अभिजीत सर कोई दिक्कत नहीं है, ये होता रहता है। आप उस जीआईबी की तैयारी करने से क्या सीखे क्या नहीं सीखे उन चीज़ों को वो करिए, और नेक्स्ट टाइम में हमारे सारे वीडियो देखिएगा, ठीक है? ज़रूर आप पास होंगे। जीत सिंह बोलते हैं सर जीआईबी पास, वेरी गुड। ये सारे लोग जो जीआईबी पास हो रहे हैं, अभी अचानक वेबसाइट पे जाइए, हमारी उस पे जाइए, मोबाइल एप्लीकेशन में 1500 रुपये का डिस्काउंट आज के लिए खोला हुआ है। 1500 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिला, 1500 का सीधा डिस्काउंट, ठीक है? जून 2000, हाँ बिल्कुल ठीक है। बेन किरण जी ने बिल्कुल सही पकड़ा, सब कंसर्न लोग हैं भाई। मॉड्यूल डीबी कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं कर रहे हैं, बिल्कुल सुमित मेहता जी ने। चलिए आज की क्लास कैसी रही जरा लास्ट में लिख दीजिए, खिचड़ी पकने से पहले जब मसाला बना रहे थे तब खुशबू कैसी आई ये बता दीजिए। अभिजीत जी मेहनत करिए, आपके थोड़ा कम मार्क्स आ रहे हैं। अरे कॉन्सेप्ट तो लेके जाओ, जो प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी सबके साथ रहेगी। अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 आपको एक चीज और बतानी है, डेली लाइव क्लासेस फ्री 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 मिशन सीआईबी मॉर्निंग में 7 to 9, नाइट में भी इसको रख देंगे हम 8 to 10 होंगी या 9 to 11 हो सकती हैं, ये टाइम हम बता देंगे डेली, और इसका नोटिफिकेशन डेली चलता रहेगा, डेली रखिए, ठीक है? अरे इंटरेस्टिंग तो होती है, लेकिन आपको उस इंटरेस्ट के बाद अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, बिना पढ़े थ्योरी करने जितने मॉक टेस्ट होते हैं वो करते रहा करिए। बिगनिंग बढ़िया थी लेकिन लास्ट में समझ में नहीं आया, आप दोबारा एक बार देखिएगा, अपनी बुक को थोड़ा इस्तेमाल करिएगा। कांस्टेंट हमारे साथ ये थे कि हम इस पूरी एक्सरसाइज को वन बाय वन सॉल्व नहीं कर पाए, अगर हम वन बाय वन सॉल्व करते तो ये भी क्लास इंटरेस्टिंग होती। बिल्कुल इस बार सीआईबी निकाल के ग्रुप करेंगे। शाम को 8 या 9 बजे होगी, आज शाम को अगर होगी तो मैं बता दूंगा। मैं कल जो है 6 घंटे की मैंने लगातार खड़े होकर क्लास ली, फिर अभी क्लास ली, तो थोड़ा देखता हूँ कि कैसे हो पाएगा। सिमुलेशन की क्लास भी होगी, सब होगी। चलो एचआरएम की भी कोशिश करते हैं, ठीक है?
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कम से कम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।